अब माता पार्वती ने जिद किया कि कम से कम एक महल बना के भोलेनाथ तैयार कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि सुन, अपनी ऐसी किस्मत नहीं है, अब बाद में पहाड़ पे ही रहना पड़ेगा, तो बात मेरी मान जा। सुनेगा भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में क्या झड़प होती है और माता पार्वती कैसे जिद पकड़ती हैं और किस तरह से महल बनकर तैयार होता है और तैयार होने के बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। मेरा इसके कि पार्वती बोली भोले से, अरे ऐसा महल बना देना, ऐसा महल होना चाहिए कि पूरे तीनों लोक में वैसा महल ना हो। अरे जो भी देखे वो ही बोले, अरे क्या कहना भाई क्या कहना। मां पार्वती जिद करती है भोलेनाथ से। आइए भजन में सुनेगा कैसे महल बनकर तैयार होता है और फिर वही स्थिति आ जाती है कि पार्वती बोली भोले से, अरे ऐसा महल बना देना। आप भी बनवा लीजिएगा, जिद करके बनवा लीजिएगा, नहीं तो कह दीजिए मैं चली पीहर अपने, आप रखाइए रसोईया। क्या? अरे जो भी देखे तो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। के माता पार्वती कहती हैं, चार दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूट गए। बीसत बीसत भंगिया थारी, हाथ हमारे टूट गए। कि चार दिन से ब्याह करके लाए हैं, सुबह हो तो भांग पिसवाते हैं, दोपहर हो जाए तो भांग पिसवाते हैं, और शाम हो जाए तो भी कहते हैं कि भंगिया ले गया। और जहां दिन से मेरा ब्याह हुआ है ना, ता दिन से मैं परेशान हूँ। ये बात तो मनीष जी नहीं ना समझेंगे। जा दिन से मैं ब्याह के आई, भागे हमारे फूट गए। बीसत बीसत भंगिया थारी, हाथ हमारे टूट गए। अरे कान खोल के सुन लो भोले, अरे इस पर्वत पे ना रहना। जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। सुनने के बाद भोलेनाथ गुस्सा नहीं होते, बड़े प्यार से कहते हैं, सुन
महल तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन अपनी तकदीर नहीं है कि तू इस महलों में रह पाए। सुनेगा भोलेनाथ ने क्या कहा, पार्वती से भोले भोले तेरे मन में फिर नहीं, ऊंचे महल अटारी में रहना अपनी तो तकदीर नहीं, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, और ऊंचे महल अटारी में रहना अपनी तो तकदीर नहीं, करू तपस्या पर्वत ऊपर, करू तपस्या पर्वत ऊपर, हम महलों में ना रहना। मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, कि करू तपस्या अरे पर्वती ऊपर, अरे हम महलों में ना रहना, जो भी देखे वो ही बोले रखना भैया कहना, जो भी देखे वो ही बोले रखना भैया कहना। सुनाता हूं, छोटा कर रहा हूं क्योंकि झांकी का दर्शन होने जा रहा है। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, इस कहानी को मैं सुनाऊंगा, लेकिन आइए तब तक झांकी का दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद गीतों की लड़ी को विराम दिया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि शिवम गाना रेडी है, शिवम ओ छोरे छलिया, अच्छा आ रहा है गाना, गाना पहुंच रहा है। अरे सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, पार्वती के जीत के आगे अरे भोले बाबा हार गए, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, पार्वती के जीत के आगे भोले बाबा हार गए, सुंदर महल बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि पार्वती जितना जिद कर देती है भोलेनाथ विश्वकर्मा भगवान को बुलवा के और महल बना के तैयार करवा देते हैं। अब घर में प्रवेश करने के लिए गृह प्रवेश करवाना होता है, सबको न्योता दे दिया जाता है और तीनों लोग पंडित जी को भी न्योता दे दिया जाता है। सुनेगा पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना। शॉर्ट करके इस कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम देता हूं। गृह प्रवेश करवाने खातिर
और पंडित को बुलाया था। पंडित से बढ़कर कोई न जाने गृह प्रवेश करवाया था। सब कुछ हो जाता है और अंत में जब दक्षिणा की बारी आती है तो पंडित जी दक्षिणा में वही मांग लेते हैं। अरे सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल